एक पेशेंट है, वो मेरे पास आए थे 12/7 यानी जुलाई में, जुलाई की मिड में। तो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम लेके आए थे, आईबीएस, टाइफाइड भी था और क्रॉनिक था और आईबीएस भी क्रॉनिक है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा इनको हो गए हैं मोशन, इनके मोशन नहीं रुके और मेडिकेशन ही करते रहे हैं, कावे भी पीते रहे हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ भी खाते रहे हैं। होम्योपैथिक में फ़र्स्ट टाइम आए थे मेरे ख्याल से ना, फर्स्ट टाइम फिर मेरे पास आए थे, इनकी सिस्टर ने बताया इधर से लेकर चेक करवाओ आगे। तो मोशन की पोजिशन थी, सुबह उठ के कभी डायरिया हो जाना है, दिन में मुश्किल मोशन रहना, खाने के बाद पेन होना शुरू हो जानी है और मड़ोड़ के साथ ना वो मोशन आना और फिर एंड पे म्यूकस मिलावा मेलिना, ठीक है, ब्लीडिंग टाइप मोशन। तो फिर जब इनकी मैंने केस टेकिंग की तो इनको जो मेडिसिन थी इनकी वो सीपीआर थी, फॉस्फोरस थी, तो उसने इनको अल्लाह ने किया बेहतर कर दिया। अभी 2 माह मुकम्मल इनके नहीं हुए मेरे पास, मगर यह है कि इनकी जो क्रॉनिक डायरिया था ना, क्रॉनिक आईबीएस था, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम था, इरिटेटिंग बाउल डिजीज़ थी, आईबीएस टाइप सी और टाइप एम दोनों वो ठीक है, बेहतर है। अब इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम था और अब कैसा है, या आपने एक्सप्लेन कर देना जो सुनने वाले हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो उनको बताएं कि ठीक हो सकता है कि नहीं, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता। मैं भी बड़ी नामीद हो गई थी अपनी तबीयत से और डर लगता था मुझे कि कहीं किसी वक्त भी मेरी जान निकल सकती है, और अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं लेट सकती, बैठ सकती थी, फैमिली का कोई ना कोई मेम्बर मेरे पास होता था। तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि डॉक्टर साहब से आप मेडिसिन लो, तो इंशाल्लाह ताला शुक्र है अल्लाह का कि मैंने 15-20 दिन में रिकवर किया, और मैं यकीन नहीं कर सकती थी। अल्लाह पाक ने मुझे शिफा दी और मैं बहुत सुकून से हूँ। मेरे ख्याल से मुझे याद है फर्स्ट विजिट आए थे ना, तो बड़े सहमे डरे हुए थे, तो आपको यकीन नहीं था, पता नहीं सही होना है कि नहीं, मगर जब फर्स्ट दवाई लेने के बाद ही आए थे ना, तो आपने खुशी से कहा था मैं बेहतर हूँ। फर्स्ट डोज में मुझे यानी कि अच्छी खासी ना चेंजिंग फील हो गई थी, जो नकाहत थी ना मेरे जिस्म में वो सही होगी, और मेरा बार बार वॉशरूम जाना, शुक्र अल्लाह का कि मैं सजीत से। फर्स्ट डोज में मैंने क्या किया था, एक यूनिवर्सल एंटीडोट भी यूज़ करते हैं हम, दवाइयों कसर को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं, नक्स सीएम की एक डोज दी थी। उसके बाद क्रोनिक कंडीशन थी, बड़ा पुराना मामला था, तो मैंने बेसिरिनम के बाद एलोस 1 mg की एक डोज दी थी, और फिर जो कमज़ोरियाँ, जो लॉस ऑफ फ्लूइड्स, चाहे वो मोशन से हो, चाहे लेकोरिया से हो, चाहे कोई और वजह हो, उसकी दवाई चाइना और नेटर में हो, तो एक एक डोज वो दी थी। नेक्स्ट डे शी इज़ मच बेटर, केम टू मी हैप्पी एंड सेड टू मी ऑल इज़ ओके, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू हैव गिवन टू मी। तो दोबारा फिर मैंने इनकी जो आईबीएस की थी वो सिलाई, मर्क और फॉस्फोरस और सीपीए की एक डोज दी, तो उसके बाद ऑलमोस्ट रिकवर है, ठीक है। तो अभी वो अपने नेक्स्ट मसाइल बताएंगी तो वो भी हल कर लेंगे, वो जो इनके करेंगे तो वो भी मैं फॉलोअप लगा दूंगा। और कुछ कहना, बहुत शुक्रिया। खाते पीते हैं जो मसले करते थे आपको खाने? मैं डर गई थी, खाना पीना छोड़ गई हुई थी, मुझे हर चीज़ देख के लगता था कि नहीं मेरे लिए ये नहीं है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र यानी बच गए। हाँ जी, मैं बच गई, राजी हूँ। ओके।